बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर व्यूवर्स, आज मैं अपना एक और वादा पूरा करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे और आप मतालबा कर रहे थे कि आप इंटरव्यू के लिए भी कोई वीडियो बनाएं। तो डियर व्यूवर, ये अल्लाह ताला की मुझ पे बड़ी मेहरबानी है कि मैंने कुछ इस किस्म की पोस्ट पे काम किए हुए हैं, बतौर प्रिंसिपल भी किया, बतौर डिविजनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद, मेरा तजुर्बा है 3 साल से ज़्यादा का। इसी तरह पब्लिक सर्व कमीशन में अल्हम्दुलिल्लाह एडवाइज़र के तौर पे और डीआर के तौर पे मैं 2010 से ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मैं कुछ ऐसी बातों को जानता हूँ जो कि शायद कोई और नहीं जानता, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो उन्होंने कामयाब इंशाल्लाह हो जाना है, तो अगर उनको इन बातों का इलम नहीं होगा तो वो एक बड़ा अपसेट होगा। आप हैरान होंगे कि बाज़ुकात ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपका भी इंटरव्यू शुरू नहीं ही होता और जो कमेटी है वो ये फैसला कर लेती है कि आपकी सिलेक्शन मुमकिन नहीं है। उसकी बड़ी वजह आप भी हैरान होंगे, उसकी बड़ी वजह डियर व्यूअर्स, इंसान दो तरीके से सीखता है, एक इलम के ज़रिए और एक तरबियत के ज़रिए। तरबियत में मैनर्स भी आ जाते हैं, जबकि इलम जो है वो भी हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन अगर आपकी तरबियत ना हो, मैनर्स ना हो, तो इलम आपको कभी हेल्प नहीं कर सकेगा। अगर हम तरबियत है तो फिर आप ज़िंदगी की गाड़ी अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो मैंने ये देखा, मेरा ज़ाती तजर्बा है कि बहुत सारे कैंडिडेट मैनर ना होने की वजह से, तरबियत ना होने की वजह से अपनी एक जीती हुई सीट हार जाते हैं। इस हवाले से मैं आपको चंद बातें बताऊंगा कि कुछ तालब इलम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो जो है वो किस पे फोकस कर रही है। तो डियर व्यूअर, आज मेरा फोकस है ड्रेस कोड पे, कि जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, और दूसरा मेरा मैनर्स पे है कि आपने मैनर्स कौन से इख्तियार करने हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2017 में 2015 में बहुत अजीबोगरीब वाकयात हुए। कुछ कैंडिडेट अंदर आए, उन्होंने पेंट कोट तो पहना हुआ था लेकिन टाई नहीं लगाई हुई थी, तो सीनियर मेंबर साहब बहुत नाराज़ हुए इस पे, और उनके ज़ाहिर ज़हन में एक चीज़ आ गई जो कि मुनासिब उस तालिब इल्म के लिए तो मुनासिब नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने सोचा ठीक था। फिर एक कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने पेंट कोट पहना हुआ, टाई भी लगाई हुई, लेकिन ऊपर वाला बटन नहीं था या टूटा हुआ था, तो इस पे भी कमेटी बहुत बरहम हुई और हैरान भी हुई। और फिर बाद का ऐसा होता है कि जब एप्लीकेंट जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो अंदर सीधा पहुंच जाता है और अंदर आके पूछता है कि मे आई कम इन सर, तो ये भी बुरा है। जब आप दरवाजे की दहलीज पे हैं तब आपको पूछ लेना चाहिए मे आई कम इन, तो इस पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह बावजूद बहुत वाइज मेंबर होते हैं, वो कुर्सी की जगह बदल देते हैं और इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट से कहते हैं, कैंडिडेट से मुखातब होते हैं कि कुर्सी आगे कर ली जाए, तो वो अगर कोई कुर्सी घसीट कर आगे करता है तो वो भी अपने गेम, अपने मैच से बाहर हो जाता है। इसी तरह कभी वो कहते हैं आपको प्यास लगी होगी, या आपके लिए पानी का गिलास मंगवाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि आप पानी किस तरह पी रहे हैं, क्या पानी नीचे तो नहीं गिर रहा, या आपने गिलास किस तरह मुंह से लगाया है। इसी तरह डियर व्यूअर्स, कुछ खवातीन ड्रेस कोड में अगर कुछ भड़कीले से कपड़े पहन के चले जाती हैं तो उन पर भी कोई अच्छा असर नहीं होता। उन्हें दे मस्ट बी ग्रेसफुल इन ग्रेसफुल ड्रेस। उनके लिए अगर शाल पहननी है तो क्रीम कलर की होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए, या कि फिर लाइट ब्राउन में, और इसी तरह उनकी मैचिंग इस तरह हो जिससे ये पता चलता हो कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसेंसी है। इसी तरह अगर वो एक ऐसी एड़ी वाली जूती पहन के चले जाती हैं, जब अंदर दाखिल होते ही टक टक शुरू हो जाती है या टिप टिप, तो कमेटी के जो मूड है वो बड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये है ड्रेस कोड के हवाले से बात। अब मैं मज़ीद भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बात बहुत लंबी है और आपको ट्रेनिंग देनी है। आज की मेरी वीडियो का मकसद था कि आप ड्रेस कोड में का आपको पता चल जाए, मैनर्स का पता चल जाए। तो डियर व्यूअर्स,
अगर आपने मैनर्स और ड्रेस कोड में कोई गलती की तो आप मैच शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर, मेरा कोई भी एप्लीकेंट, मेरा कोई भी कैंडिडेट ये मैच हारे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपने इसमें हर हाल में अमल करना है और कामयाबी को करीब तर करना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।